सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ का मुझे काफ़ी टाइम से इंतजार था और एक बार को तो मुझे ऐसे लगा बीच में कि शायद ये सीरीज़ अब दोबारा मतलब इसका सेकंड पार्ट आएगा ही नहीं, लेकिन सरप्राइजली हाल फिलहाल में ही ये सीरीज़ का सेकेंड पार्ट आया और मैंने पूरी सीरीज़ अभी कम्प्लीट की है थोड़े टाइम पहले ही। और इस सीरीज़ ने मुझे वाकई में निराश नहीं किया, जो इतना टाइम का वेट था वो सब सफल हो गया और ये सीरीज़ वाकई में बहुत बड़ी हिट और कामयाब रही और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस सीरीज़ का नाम है असुर पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट लॉकडाउन के दौरान आया था, उस टाइम पे भी इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। और जब ये इसका फर्स्ट पार्ट आया था तो इस तरह का जो कंटेंट था इंडिया में, मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा कोई सीरीज़ या मूवीज़ इस टाइप की आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस टाइप का कंटेंट पसंद किया था और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग कंटेंट लगा था। इसका जो थ्रिल था, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का थ्रिल हमें देखने को मिला था। पहली बार मैंने इंडियन किसी वेब सीरीज़ में इस तरह का कुछ देखा था। सो अब बात कर लेते हैं इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। इस पार्ट का जो लेवल है वो कैसा रहा, पहले से कितने लेवल ये ऊपर गई, आप इसमें कितना चेंज देखने को मिला, मुझे क्या डिफरेंस नज़र आया पहले के मुकाबले। सो गाइज, पहले बात कर लेते हैं इसका लेवल कितना ऊपर गया। गाइज, लेवल डबल नहीं, ट्रिपल ऊपर चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर। पहले वाले में हम मानते हैं उसमें थ्रिल बहुत ज़्यादा खतरनाक हमें देखने को मिला, लेकिन इस बार जो चीज़ है वो थी इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी। सो गाइज, जब तक हमने इसका फर्स्ट सीज़न देखा, किसी ने सोचा नहीं था कि जो सेकेंड सीज़न होगा इसका वो इतना ज़्यादा लेवल अप होगा और उसमें इतनी ज़्यादा मतलब हाई टेक हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। किसी ने नहीं सोचा था जिस टाइप से ये सीज़न स्टार्ट हुआ था असुर, कहाँ ये शास्त्रों से, मंदिरों से और धार्मिक चीज़ों से स्टार्ट हुआ था और कहाँ ये जो है ना साइंस, हाई टेक, AI के साथ जाके जुड़ चुका। और इस तरह का जो ये सफ़र था, ये जो ग्राफ धीरे धीरे चेंज हुआ है फर्स्ट सीज़न से सेकेंड सीज़न में, धार्मिक चीज़ों से और साइंस फिक्शन में जो ये ड्रामा गया है, ये जो मैंने असुर 2 में देखा, इस तरह का कंटेंट मैंने अभी तक किसी और हॉलीवुड मूवी या किसी सीरीज़ में नहीं देखा अभी तक। मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि इंडिया में इस तरह का जो है सीरीज़ के ऊपर काम किया गया और इतनी अच्छी तरह से इसको जो है ना प्रस्तुत किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड मूवमेंट होने वाला है इंडिया वालों के लिए कि अब इंडिया में भी इतनी अच्छी अच्छी जो है ना वेब सीरीज़ बनने लगी है। अभी मैं एक शो के साथ कंपैरिजन करना चाहूँगा। अभी एक शो देखा था मैंने, सिटाडेल, बाहर का शो है, प्रियंका चोपड़ा इसमें लीड कर रही हैं, लेकिन उस शो की मैं अगर कंपेरिजन से ये शो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप है सिटाडेल के अकॉर्डिंग। मुझे सिटाडेल से ज़्यादा पसंद आया। हाँ, वो ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये शो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर मैं सिटाडेल को 10 में से 7 स्टार दे रहा हूँ तो इसको 9.5 देना चाहूँगा। सो गाइस, असुर के सेकंड सीज़न के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने हमें इसमें दिखाई है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्होंने बताने की, हमें दिखाने की कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी सहायक हो सकती है और उससे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। इस चीज़ की मुझे अलग से तारीफ करनी होगी, जो इसका कॉम्बिनेशन है आज की टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रहा है और हमारे जो पुराने एंशिएंट टेक्स्ट हैं, हमारे ग्रंथ शास्त्रों का जो ज्ञान है, उसको एक साथ एक ही सीरीज़ में इस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उसको मतलब एक तरह से बैलेंस करके एक दूसरे के अपोजिट उसको यूज़ करना है, तो मुझे वाकई में सरप्राइजिंग और अमेजिंग लगा। और इसी के कारण हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान हमें जानने को मिला, इसमें हमारे पुराने टेक्स्ट का ज्ञान हमें जानने को मिला, पुराने किस्से हैं, कहानियां हैं हमारे टेक्स्ट में, वो हमें एक तरह से जानने को मिली इसी सीरीज़ के द्वारा। तो मुझे सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये लगा, इस सीरीज़ में वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की गई है। तो गाइस, अपने लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरह की सीरीज़ मैंने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इंडिया में ऐसी कोई सीरीज़ बनेगी। और सही बताऊँ तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हॉलीवुड में भी मैंने बहुत सारी सीरीज़ वेब सीरीज़ देखी, लेकिन इस तरह का कंटेंट, इस तरह से AI का यूज़ मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए और काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी आया। आई होप आपको भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो आप इसके दोनों सीजन को बिल्कुल फ्री में जाके देख सकते हैं जियो सिनेमा पे जाके, तो वहाँ पे फ्री में स्ट्रीम हो रहे हैं, जाइए और जल्दी जाके इस सीरीज़ को चेकआउट कीजिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना आपके कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। ओके, सो गाइस, यदि आप इसी तरह की मूवीज़, वेब सीरीज, अच्छे अच्छे शोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस टाइप के शोज़, वेब सीरीज़ और किस तरह का कंटेंट आपको देखना पसंद है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।